short stories in new millennium ओडिया खुद्रो गल्प आ ता विषय रे आलोचना करिया पे आम सहित आज अछंती श्री गौरहरी दास श्रीमती पारमिता सतपति श्री आशीष गड़नायक आ श्री देवप्रसाद दास मु अनुरोध करबी से माने स्टेज को आसी जांतु आउ तांकु स्वागत करिया पे मु चाहेबी आपन समस्त माने टिके जोरदार ताली बजांतु जो माने से को परिचित करेबार आवश्यकता नाही से को जत बेले अनुरोध करी से तांको संपर्क रे संक्षेप रे सूचना देवी डॉक्टर गौरहरी दास आम समय सबुठारु प्रचंड प्रतिभा विभिन्न क्षेत्र रे तांकर अवदान तेबे सबुठ बड़ कथा होची जे जणे साहित्यिक हबा व्यतीत से आम समस्त को लेखेबा सिखै छंती जेतबेले आमे सब आमर आरंभ करथुलु जीवन लेखक जीवन सेतबेले जदि किए हाथ धरी आमको आगे नहीं थे से होचंते डॉक्टर गौरहरी दास सांप्रतिक समय रे तांको भली जड़े साहित्यिक विरल जे जीवन को जो भली देखिचंती ताठो अधिक से संपृक्त होती साहित्य एवं साहित्यर परिसर सहित निजठारु कनिष्ठ समस्त व्यक्ति विशेष को समस्त साहित्यिक मान को से जितिके आदर करती स्नेह करती एवं आपणार करती वर्तमान समय रे मु तो भावुचे मंच उपर जो चारि जण आमे अछु तांकु छाड़ीदेले जो तीन जण समस्ते तांको पाखरे ऋणी एवं तांकर अवदान को निश्चित भाव स्वीकार करिबु आम जीवन रे से जो भूमिका ग्रहण करिचंती मोर प्रथम बही जेतेबेले प्रकाशित होइतला सेथरे मध्य तांकर भूमिका थिला तांकु स्वागत करुची श्रीमती पारमिता सतपथी को गोटे अति व्यस्ततम वृत्ति रे थाई मध्य साहित्य प्रति से जी संपर्कित से साहित्यिक परिवार रो आछंती तेणु विरासत हिसाब रे तांकु सेटा मिलिची एवं ताकु से आहुरी संप्रसारित करछंती जीवन को देखिबार दृष्टिभंगी तांकर एते गभीर केही केही कहंती जे नारी मनस्तत्व को नहीं लेखंती से किंतु मते लागे जे जदि आजिर ए जो विषय वस्तु रहिची नूतन सहस्राब्दी रे बा नूतन समय रे ओडिया गल्पर स्थिति ताले तार प्रतीक होउछंती श्रीमती पारमिता सतपथी जे निजर गल्प जरिया रे एक नुआ पर्याय सृष्टि करछंती ओडिया गल्प साहित्य रे एवं ताकु आमे समस्ते निश्चित भाव रे अनुभव करिछु तांको गपर जो नूतनत्व एवं तांको गपर जो संवेदनशीलता थाए वर्तमान समय रे जदि प्रकृत रे आधुनिक गल्पर परंपरा को केही आगे नैछंती ताले से होउछंती श्रीमती सतपथी तांको स्वागत करूछु तांको सहित अछंती श्री आशीष गड़नायक जे बयसरे मोठू कनिष्ठ किंतु मत लगे जे अनेक समय से अतिक्रम कर जाती आम बयसर साहित्यिक मान को गाल्पिक मान को तांकर भात गप जो भली भाव चमत्कार भाव से समय रे समग्र ओडिशा रे चहल सृष्टि करथला जे जने तरुण गाल्पिक एभली जीवन को देखी पारंती एवं एभली नूतन भाव रे ताकु परिवेषण करि पारंती तेणु तापरे से अनेक भल गप लिखिचंती गत किछि दिन धरी गप लेखिबारे जदियो से तांकर सीमित समय दौचंती किंतु सांबादिकता एवं ओडिया गल्प पत्रिका कथा सहित तांकर संपृक्ति नूतन लेखक सृष्टि रे एवं सेमानकु उत्साहित करिवारे से तांकर अवदान दौचंती श्री गणनायक को मध्य स्वागत करूछि आमे सबुबेले कहू जे गोटे पुरातन पर्याय को छाड़ी आम आधुनिकता को आसबू उत्तर आधुनिकता को आसबू मत लगे ये जो समय जो सीमा सब निर्धारण करा जाए ये सीमा सब हूँ काल्पनिक सीमा एभली कौन प्रकृत रे सीमा न थाए आम आम सहित जो माने अच्छा सहित जो आलोचना करवा से संपर्क में प्रांजल हवा जे नूतन सहस्राब्दी नूतन शताब्दी नूतन समय कौन से समय आपण मैने आज देखिथे संवाद विशिष्ट साहित्यिक पद्मश्री मनोज दासंकर एक साक्षात्कार प्रकाश पाई काली मध्य समाज गोटे साक्षात्कार प्रकाश पाई जो थे मनोज बाबू कहते पूर्व जन्मर उपलब्धि और अनुभूति अभिज्ञता और प्रेरणार पट्टभूमि हो पाए आमे समस्ते हिंदू धर्म जदियों पुनर्जन्म को विश्वास करूँ किंतु पूर्व जन्मर स्मृति आम मन न था किए कौन थी कौन जाणी कौन तार भावनार थिला चेतनार थिला एवं सेटा ए जन्म रे किभली संप्रसारित होची प्रारब्ध कथा आम शुणु किंतु से प्रारब्ध को प्रकृत रे केही पर्यालोचना करि पारिबो नाही तेणु जदि पूर्व जन्मर अभिज्ञता एवं अनुभूति ए जन्म रे प्रेरणार पट्टभूमि जोगी पारे
तबे आमे को समय कथा कहुचु जदि समय कथा कहिबा जड़े साहित्यिक जेकोसे स्रष्टा हो से जहाँ भी लिखु से कहीं लिखे तार संवेदनशीलता थाए सामाजिक पृष्ठभूमि एवं तात्कालिक समय घटना चरित्र सहित तार जो आत्मानुभूति थाए एकात्म भाव थाए अंतरंगता थाए निविड़ता थाए ताकु से परिप्रकाश करे आपण माने जो माने बसिछंती ता भीतर अनेक साहित्यिक थिबे जो माने साहित्यिक नथिबे भी बेले बेले आपण अनुभव करथिबे आपण भी किछि लेखिबाकु चाहुंछंती एमती अनुभव मु भावुछि समस्तंकर थिबो केबे एमती अनुभव आपण माने पाइनांती आपण भी चाहंती जे मु लेखि दियंती हुए तो मो पाखर से शब्द नाही मो पाखर से भाषा नाही मु जो भली प्रकाश करिबी से भंगी नाही किंतु मु भी किछि कहि देबा पई चाहे जेमती गोटे सुंदर गीतटे जदि मन थाए विभिन्न समय से गीत को आमे गाऊ केही गोटे जदि रोमांचकर गीत शुणी गोटे लव सॉन्ग शुणी तार प्रेमिका को हुए तो से गीत शुणी दे पारे से गीत तार नुहे किंतु मन थाए एवं से भावे जे से ता सहित तो एकात्म होइछि एवं से गीत ता मनर कथा कहुछि ठीक से भली मु भावे जे जड़े एकात्म हेले सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनैतिक परिस्थिति सहित से लेखे एवं ता भितर ता निज भितर गोटे ताड़ना आसे गोटे प्रचोदना आसे गोटे प्रेरणा आसे जहाँ को नहीं से लेखे से कहीं एमती लेखिबो कौन से लेखि पारी थांता ठीक लेखला कि भूल लेखला ए सब प्रश्न अबांतर मते जेमती भल लगे मुझे लेखे आपण पढ़ला बेले जदि मो सहित सेमती एकात्म होती मो लेखा सहित एकात्म होती आपको भल लगे जदि आपण को लगला ना ये आउ गोटे भल भाव में कह जाता आउ किसी विशिष्ट शब्द दे कि कहता आउ किसी भंगी में प्रकाश करता हुए तो आपको भल लगे ना यह ही तो हूँ साहित्य जदि मुझे देदेली आपण को आपड़ जदि ग्रहण करें मो सहित तो सम्मिलित हो पारे तालोले से संप्रसारित तो है मोर गोटे गप जो बड़े समकालीन भारतीय साहित्य अनुदित तो है से तो विभिन्न जगार मत चिठी आसला जे आज्ञा आम आपको उर्दू भाषा अनुवाद करू आम अन्य भाषा अनुवाद करूँ से कहली मोठ अनुमति नवार आवश्यकता ना जदि अनुमति नवार था मुझे लिखि था मत नपचारि किपरि कि लिखाई कि थे जिते आप चलीगला ताण मान आज फकीरमोहन नहांती फकीरमोहन कहवाक नहांती मत ये पुरस्कार कहीं देलनी से पुरस्कार कहीं देलनी तुम पढ़ु कि नहीं केते रॉयल्टी पाउच के पैसा मो पाखक आसला कितु आम पढ़ु आम आनंदित हो संप्रसारण या हूँ भाषा जहाँ भल लगे हृदय भितर रुहे ये डॉक्टर गौरहरी दास बस निकटे गोटे गल्प संकलन में मुखबंधे देख ली जे से चाहती से कहते जहाँ आम समस्त वक्तव्य आम को किए पढ़ु हुए तो मत किसी भिन्न भाव में लिखापे कहुचे समय पर तुम्हें बदल कितु मुझे बाट जाणे ना मुझ जो बाग जाणे जो मार्ग जाणे जो बाट जाणे से बाटे मुझक प्रकाश करमी प्रकाश कर चलती से कौन नूतन सहस्राब्दीर लेखक नुहंती से कौन कौ पचरे रहीगले जदि आम फकीरमोहन को आम सुरेन्द्र महांती आम महापात्र नीलमणि साहू को आम जदि आज भी भल पाच लेखा को ताले से कौन नूतन सहस्राब्दी में अबांतर हो गले अपांगत्य हो गले अदरकारी हो गले अजथा हो गले मुझे केवे भावना जहाँ आनंद दिए ता साहित्य एवं जे एकात्म हुए सामाजिक पृष्ठभूमि सहित सामाजिक घटना सहित चरित्र सहित ताकू जिते अंतरंग भाव में बखाणि बसे अंतरंग छल बोली पारमिता गोटे गप अच्छी मतलब लगे आम समस्ते से अंतरंग छल भितर दे जाऊ जो शब्द आसे जो चेतना आसे जो पर्याय दे आम गति करू लिखला बेले से पर्याय सबू आम सहित एत घनिष्ठ भाव में जड़ित होती जे से आम कि प्रकाश करूँ बेले बेले गोटे गोटे गप लिखापी वर्ष वर्ष लग जाए बेले बेले गोटे गोटे गप दिने दुई दिन में लिखिदे पारू ए अनुभूति समस्त कहीं हुए गोटे हुए कष्टकर प्रक्रिया आउ गोटे हुए जो सहज प्रक्रिया हूँ जो आम बेसी अनुभव करू एवं से गप चली आसे स्वतप्रवृत भाव में माड़ बसे आमको आउ गोटे हूँ आम गोटे प्रक्रिया दे जाऊ बेले बेले मत लगे कौटि से प्रक्रिया भितर आम सरलता को हरई बसु जो सरलता प्रारंभिक पर्यायर थाए ता हुए तो परवर्ती पर्यायर न थाए जिते सरल छल छल ही गोटे झरणा भली गड़ी आसे लेखा एवं जो आपको लगे आप गोटे गड़ाड़िया रास्त गोटे सैकेल बसिक चली पैडल मारूना किसी करना से मन को सैकेल टा गड़ी जाऊँ सी गोटे प्रभाव आउ गोटे हूँ गोटे चिंता करवा गोटे घटना को पर्यवेक्षण करवा दूरवेक्षण दृष्टि दे कि देखा और तापर ताक परिप्रकाश करवा से कष्ट हुए तेणु ये दुईटा प्रक्रिया दे अधिकांश लेखक जाती
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗପ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗପ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛି କେହି କହିପାରିବେନି ପ୍ରକୃତ ଗପ କ'ଣ ବା ଗପ କେମିତି ଜଣେ କେହି ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଅ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ଏମିଂ ଆଟ୍ ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ଥିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବେ କିଛି ଚରିତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏମିତି ଭାବିକି କିଏ ଗପ ଲେଖେ ଖୁସନ୍ ସିଂହ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଥିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗ ଥିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶେଷ ଥିବ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ଆଖପାଖରେ ଘୁରୁଥିବେ ମୋର ଅନେକ ଗପକୁ କେହି କେହି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଉପନ୍ୟାସଟାକୁ ଗପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରେନି ଯେ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାଗରେ କହି ଆସେ ମୁଁ କହିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ବିଷୟକୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ସେବେଠୁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ନୂଆ ଶତାବ୍ଦୀ ନୂଆ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ନୂଆ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ କ'ଣ ଏଇଟା ଭାଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ ଆସିବ ନା ସମାଜ ସଚେତନତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଭାଷା ସବୁବେଳେ ବଦଳେ ଯେମିତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମୟର ଭାଷା ହୁଏତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ନଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭାଷା ଡକ୍ଟର ଗୌରହରି ଦାସ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ଭାଷାର ସରଳୀକରଣ ହୋଇଚାଲିଛି ସରଳୀକରଣ ବି ଯେତିକି ନୁହଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଦଳିଛି ସେହି ଭାଷାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ କେଉଁଠି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଆସିଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ନାକ ଟେକା ଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଂଖ୍ୟ କାହାଣୀରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ପାରୁନାହୁଁ ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲୁ ଏବେ ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ ତାହା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଉପଭାଷା କହିବା ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲେକ୍ଟ କହିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ଡିକ୍ସନାରୀ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 100ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆଣୁଛି ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା ତାହା ଇଂରାଜୀ ଅଭ୍ୟୁଦୟରୁ ଆସିନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦରୁ ଯାଇଛି ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଏବେ ଦାଦା ଦିଦି ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପଶିଲାଣି ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ରଷୀୟ ଭାଷାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ପେନିଶ ଭାଷାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହଉ ଏବଂ ଯେତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ଜନଜାତିମାନେ ବି ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଆସୁ ତେଣୁ ଭାଷା ବଦଳିବ ଭାବ ବଦଳିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସିଏ ଯେତିକି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିବ ଲେଖା ସେତିକି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରୁଥିବ ହୁଏତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବଦଳେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ବଦଳେ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ପୁରୁଣା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିରାଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଆଜି ଲେଖୁଛୁ ସେ ସବୁ ଅଳିକ ବା ଅର୍ବାଚୀନ ବା ଅଯଥା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏହା କେବେ ନୁହେଁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବିଜ୍ଞ ଆଲୋଚକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା କହିକିରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଗପ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ତାରତମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବେ ଏଠି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଉଥିଲା କିଛି କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଳବତ୍ତର ରହିଲା ଯେ ଏବେ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଚତୁର୍ଥ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 47ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ 50 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହୀତ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଲୁ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯଦି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ସେ 3 ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ ଜଣେ ଯଦି ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଛି ସେ 4 ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ 3 ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନଥିଲୁ ତ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ କିଏ ଥିଲା ଆମେ ଥିଲୁ ନା ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଯାହା ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଆମଠୁ ଅଧିକା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ୟୁରୋପରୁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ କନସେପ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାର କଥା ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି 60-70 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ
तो डॉक्टर गौरवरी दास जो आशंका प्रकाश कर जो बागरे जानी से बागरे कह अन्य किसी बाट जानी ना मुझे भावे जे ए आंदोलन जदि मन को आसूच आंदोलित तो करुच्ची आम मन को कहीं आसबी हुए तो आम जो मैंने 1990 इथरे आरंभ करथुलु लेखा आमे भी बर्तमान इरिलिभेंट हो आमे भी अनावश्यक किंतु साहित्य रे अनावश्यकता न थाए गोटे बही लिखिले बाम स्ट्रोकर ड्राकुला आज पर्यंत से बही चली ड्राकुला गोटे कल्ट यह गोटे विशिष्ट साहित्य नुहे साहित्य कृति नुहे किसी गोटे विराट कथ क्या किंतु वर्तमान ड्राकुला फेस्टिवल होउछि वर्षरे थरे ड्राकुला उपरे असंख्य चलचित्र निर्माण होइछि ड्राकुला ने कि विभिन्न प्रकार म्यूजियम होइछि ए सब कहीं को बही को लेखा किभली भाव सचेतनता सृष्टि करिव किभली भाव हृदय को धरी रखिव से कथा केही कहि परिबे नै तेणु से प्रसंग कथा मु कहुतली जेतेबेला आसिला 75 मसीह रे जरूरी परिस्थिति हला सब अनुष्ठान गुड़िक भांगी गला व्यक्ति विशेष ध्वंस पाइले से कौन है से जो आंदोलन जदि आप कहे अमिताभ बच्चन से एंग्री यंग मैन हेले किंतु से कथा साहित्य भी प्रतिफलित होता आमर समावेश गोटे पत्रिका थिला से गोटे बही भी बाहर करते से अंध रात्रि कहानी गोटे किसी संकलन करकेशार विशिष्ट साहित्यिक मैंने जो मैंने जरूरी परिस्थित केमती देखी से सब गप से सम्मिलित होता तेणु से सब समय साहित्यिक मैंने तांकर सामाजिक अर्थनैतिक एवं तात्कालिक राजनैतिक परिस्थिति द्वारा से परिचालित जो परिवर्तन आसला 90 दशंधि पर गत वर्षर गत शताब्दीर नवम दशंधि पर जेतेबेले व्यक्ति सत्ता विलीन होगला सामाजिक निरापत्ता रहिलानी ईश्वर अजथा होगले पूंजीवाद बढ़ी चलला एवं पड़ोसी पड़ोसी भितर मध्य संपर्क रहिला नाही सेतेबेले आसिला गोटे परिवर्तन समय क्या नहीं कि लिखिबो केही आदर्श नथिले कौनसी आधार नथिला सेतेबेले साहित्यिक माने पुणी निज भीतर को देखिबा को आरंभ कले मो भीतर को देखिली मो भीतर को द्वंद्व चलची संघात चलची अंतर्घात चलची मुताकु देखिली समस्ते से भली भाव देखिबा को आरंभ कले तेणु समस्ते निज निजर गोटे गोटे द्वीप तैयारी कले एवं से द्वीप भीतर बसिक समान रचना कले जहां गोटे महादेश थिला जहाँ गोटे भूखंड थिला ताहा क्रमशः गोटे द्वीप रूपांतरित हो गला से आईलैंड रहीकि आम मैंने निज निज लेखा लिखिलु तेणु गोटे समय रे मु कहिबापई चाहूना आम आहुरी विभाजित हो गलु आम अमुक अंचल लेखक आम अमुक जातिर लेखक आम अमुक भाषार लेखक यही सब भितर आम सीमित हो गलु किंतु यह नथिला पृष्ठभूमि जदि यह परिवर्तन कहा परिवर्तन नुहे साहित्य सबुबेले मनीषर कथा कहे व्यक्ति होची तार प्राण केन्द्र आउ से व्यक्ति सबुबेले गोटे निरीह गोटे हतादर पाउथिबा अनादर पाउथिबा एवं अवहेलित लांछित दलित व्यक्ति दलित अर्थ मुठ जाति प्रसंग रे कहू नाही दलित अर्थ जहाँ को दलन करा जाए जहाँ को चापी दिया जाए से व्यक्तिर कथा ही साहित्य सबुबेले कहिछि तेणु जो परिवर्तन रे कथा होची आज विषय वस्तु से परिवर्तन केते आसीछि किभली आसिब आगामी समय कौन कहिब एवं आमे केते अंतरंग हबा आमर पाठक सहित से संपर्क आमे आलोचना करिबा मु भावुची वरिष्ठता क्रम रे जिबा डॉक्टर गौरहरि दास को मु कहिबि से तांको ठीक अछि गौरव बाबू रिक्वेस्ट करछनी मु आशीष को अनुरोध करछि कहिबा पे आशीष तांको वक्तव्य रखंतु ता छोडा मो पाखरे जो प्रश्न अछि मु किछि तांको पचारिबि जदि आपन मानको भितरु भी किछि प्रश्न थाए आपन माने मध्य तांको पचारि परिबे एवं मु भावुची से तार सठिक भाव में तार रूपायन करेंगे एवं आपण मानक आपण जहाँ अच्छी मन भितर संदेह दूर करेंगे मो मन भी किसी संदेह अच्छी आशीष तरुण पीढ़ीर लेखक मोठू बयस सान तुम्हें आम बहुत देखू जदि आमे वर्तमान अजथा बा अदरकारी मुँ भावि आशीष होती सबुठ योग्य दरकारी बर्तमान समयपाई से होती प्रजोज्य तेणु आशीष से ही कथा कहे जे जो पृष्ठभूमि को लेकिन ओडिया गल्प गतिशील होती से पृष्ठभूमि से निजक कौटी देखी पार्टी भितर आमे एवं आमर समसामयिक मैंने कौटी अच्छा एवं जो सहस्राब्दीर नुआ कथा कहुच्छे से सहस्राब्दीर नुआ कथा से कौन देखापी चाहते मानसिकता भितर कौन अच्छी कौ कौ प्रसंग गपरे स्थानित होब ए पर्यंत ताकि कि ना एवं फकीर मोहन सुरेन्द्र महांति महापात्र नीलमणि साहू अक्षय महांति रवि पटनायक इत्यादि इत्यादि जो मैंने आम पूर्वसूरी अच्छा से मैंने समस्ते कौन अजथा हो जाइंट आशीष गड़नायक जोरदार ताली सहित स्वागत कर धन्यवाद अग्रज कथाकार देवप्रसाद दास
मंचरे आलोचक भागे उपस्थित थिबा वरिष्ठ कथाकार गौर हरिदास पारमिता शतपति महाशय एवं आपण माने एपरि एक अभिनय अभिनव आयोजन आयोजक मानंकु मु धन्यवाद दउछि मते एठी उपस्थित रही मोर मत व्यक्त करबाकु सुजोग दैथिबारु सत कहिबाकु गले ए मंचरे बसिथिबा मोर आदर्श स्थानीय अभिज्ञ साहित्य स्रष्टा मानंक आगरे किछि कहिबाकु गला बेले मु टिके असहज अनुभव करुछि तबे मु संक्षेपरे मोर वक्तव्य कहिदेबाकु चाहिबि मु संक्षेपरे नुआ सहस्राब्दरे ओडिया गपर स्वरूप कौन हेबा उचित से प्रसंगे मुख्यतः मोर मत रखिबि ए कथा कहिबा बेले जहाँ आम पाखरे अछि अर्थात जे प्रसंगे आम गप सफल हो पारिछि तार अनावश्यक वर्णना न करी जहाँ एजावत हो पारि नाही बा हेउ नाही एवं जहाँ हेबा उचित बोली मु मने करुछि से संपर्क ही कहिबि या को आम समालोचना नक स्वीकारोक्ति बोली कहिबा अधिक युक्तियुक्त हेब कारण मु भी जने गप लेखुथिबा लोक जे विषय सफल होइछु आम से विषय कहले आत्मप्रशंसा ही हेब एवं आपण माने जानिछंती गाल्पिक माने आत्मप्रशंसा को सेतरा पसंद करते ना अधिक अधिक समय न नहीं मु केवल दुई तीन टी प्रसंग आलोचना करी जहाँ ए समय ओडिया गल्पाई सब गुरुत्वपूर्ण बोली मु मने करुछि एवं जहाँ चलित समय ओडिया गल्पाई सब बड़ आह्वान बोली मोर मन हो एक समस्ते स्वीकार करेंगे जे फकीरमोहन सेनापति आरंभ होता आम गल्प परंपरा ओडिया साहित्यर अन्यतम समृद्ध विभाग केवल समृद्ध नुहे यह आम सब लोकप्रिय विभाग मध्य लोकप्रिय हेबार कारण ओडिया पाठक जहाँ पढ़ाक चाहे पसंद कर जो भाई शैली पढ़ाक चाहे आम गपता देवे सफल हो कविता भाई आर्ट इज फर आर्ट सेक् भियम को आम गप के अनुसरण करना गप लेखा हवा कारण ही गप लेखा जाए ना ताको कहीं जड़े पढ़ पढ़ी बुझ और उपभोग कर गप लेखा जा किंतु एत लोकप्रियता और पाठकीयता भितर कि फांका शून्य स्थान भी तैयारी हो जाए आम गप दुनिया रे से शून्य स्थान गुड़ी को पूरण करवा आमपाई नुआ समय रे एवं ओडिया गपाई सब बड़ चैलेंज बा आह्वान प्रथम हूँ समय प्रतिनिधित्व करवा ए मामलें ओडिया कविता ओडिया गपठू कि आगे अच्छी स्वीकार करार मोर कुंठा ना साहित्य गोटे दृष्टि गोटे समांतराल इतिहास साहित्य ता समय को प्रतिफलित करे निज भितर से दिगरे आम गप से सफल होना मु भावे उदाहरण स्वरूप आज ओडिशा जो सामाजिक व राजनैतिक परिस्थिति गुड़िक भितर दे गति करुछि तार सफल प्रतिफलन एबेकार गपरे क्वचित देखा जाउछि माओवाद कलिंग नगर पोस्को और सर्वोपरि विस्थापन आदि चर्चित प्रसंग गुड़िक जहाँ को आम प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में प्राय प्रतिदिन भेटुचु आम साधारण जीवन रे तार सफल चित्रण ए जाए क्वचित गपरे देखा मिली कई कई हुए तो कहीपारती तार प्रतिफलन होगा भी उचित भी कौन आवश्यकता कौन कितु मो मतरे एमती कराजा फल आम गप क्रमश सत्य ठारु माटी ठारु दूरे जा गपरे जहाँ लेखा जाता भी अवश्य सत किंतु ताठ आहरी उत्कट और गुरुत्वपूर्ण तथा अधिक लोक प्रभावित करुवा यह सब बड़ सत मान गप भर को आणवे आम सफल होना मुझे स्वीकार करफल गोटे कथा तो निश्चित रूप होड़िया गप ए समय को प्रतिनिधित्व करुच्ची कहीहेना हे तो से कारण बर्तमान मो पीढ़ीर कवि मैंने गणमाध्यम कि साहित्य आलोचन होती चर्चित हो रही कथाकार माने सेमिति हेई पारु नहंती माओवाद कलिंग नगर और पोस्को आदि प्रसंग ओडिया कविता भितर को अनेक थर आसुची मध्य किंतु गप से संपर्क प्रायत तो नीरवता अवलंबन करुछी एसबू कहिबा बळे मु मो निज पीढ़ीर गप विषय ही कहुछी अवश्य कहा जाय पारे जे कविता रे कोनसी प्रसंग को आणिबा जेति कि सहज गपरे सेतरा सहज नुहे किंतु से कष्टकर कामटी करिबा गाल्पिक मानकर काम बोली मु भावुछि खाली समस्या नुहे आधुनिक जीवन प्रतिफलन मध्य आम गपरे यथेष्ट भाव प्रतिफलित होना मोर मन हुए यह समालोचना नुहे बरं गोटे स्वीकारोक्ति जे
जो युवपीढ़ीर पाठक मानू आम साहित्य प्रति आकर्षित करने को स्वप्न देखु सबुबले से जीवन आ चिंतन प्रतिफलन क्वचित गप आम हाथ में दे पारे साहित्य केवे रुचि रखि ना जाना एकाधिक युवक युवती चेतन भगत युवक युवती चेतन भगत पाठक परिणत कर सेमाने तांको बहिरु पढ़ा आरंभ करी साहित्य पाठ भितर थिबा एही सुंदर आउ विस्तृत संभावना गुड़ी को चिन्ह पारि नियमित पाठक भी पलटि जाइछंती आमे जे चेतन भगत को अनुसरण करबा ता मु कहुनी कितु नुआ पाठक सृष्टि करिवार उद्यम आम गपरे थिबा आवश्यक बोली मु मने करूछि गां दांड ईशाण कोण झुटी चिता एसब आमर परंपरा ताको नै आमे गर्वित किंतु ता बाहर दुनिया को भी गल्प आविष्कार करबा उचित गप खोला आकाशर चढ़े बड़ी मुक्त होगा उचित गोटे समय थिला जेते बले जो माने गप लिखुले से जीवन अभिज्ञता और पेशा प्रायत एक प्रकार थिला एवं जो माने भी गपर पाठक थिले से जीवन अभिज्ञता और पेशा मध्य उणा अधिक एक प्रकार थिला किंतु एबे समय बदल जाइछि मुक्त बजार रो ए समय रे साधारण लोक जो मानक आम पाठक बोली भावु से जीवन अभिज्ञता और पेशा रे सेमानक भितरे आश्चर्यजनक विविधता सृष्टि होईछि किंतु आमे जे माने गप लिखुचु जीवन अभिज्ञता और पेशा रे आमे उणा अधिक पूर्व भली एक प्रकार बा एक जातीय होइ रहिछु तेणु गुण चरित्र रे आम गपरे सेतिकी विविधता देखा जिबा कथा जेतिकी विविधता देखा जिबा कथा ता होइ पारु नाही ए कारणरु आम गपरे आमरे विचित्र बर्ण आधुनिक जीवन और समाज रो अनेक दिग प्रतिफलित होइ पारु नाही सत जीवन रे बा पेशा रे पायलट थिबा सैनिक थिबा बा क्रिकेट खेलाड़ी थिबा अमर कहीं कथाकार नाहंती एबे भारी लोकप्रिय थिबा आईटी इंजीनियर कथाकार भी बोधे कहीं नाहंती जदियो प्रति वर्ष हजार हजार ओडिया युवक युवती से क्षेत्र में प्रवेश करुछंती कथा कहिबा को गपरे कहीं प्रतिनिधि नाहंती हुए तो सेथिपई सेमानको भितरु जेतिकी पाठक ओडिया गप पढ़िबा उचित बोली आमे आशा करुछु ता होई पारु नहीं अत मु भावुची केवल पाठक नुहंती आमको लेखक सृष्टि करिबा को मध्य जत्नमान हेबा को पड़िबो जे माने आधुनिक जीवन को पूर्वसूरी लेखक मानक अपेक्षा आहुरी पाखरु देखिथिबे और ताकु निजे जीथिबे जीवन रो भिन्न भिन्न क्षेत्र आसुवा लोकंकु आमको गप लेखिबा को उत्साहित करिया को पड़िबो ये गोटे निश्चित भावरे कष्टकर आह्वान आम पई आम भितर अधिकांश लंबा गपरे गप लेखिबारे अभ्यस्त लंबा गप केवल संकलन बा बड़ पत्रिकार प्रकाशित हो पारे आज खबर कागजर साहित्य पृष्ठा साहित्य प्रसार सबुठ बड़ माध्यम हो जाइछि एहाको साहित्यर असंख्य अनियमित पाठक भी नियमित पढ़ती किंतु लंबा गप से प्रकाशित हो पारे ना तेणु आम देखु सबुठ अधिक प्रसारित साहित्य पत्रिकार पाठकों ठार पंद्रह गुण अधिक पाठक थिले मध्य खबरकगजर साहित्य पृष्ठ क्वचित नामकरा बा बड़ कथाकार गप छपा हुए कविता छोट हो तापाई किंतु से समस्या न थाए ए बाबद गपर पाठक मैंने भल गप पढ़वार सुजोग वंचित हुंती ता सहित सामग्रिक भाव ओडिया गप अधिक प्रसारित होवार सुंदर सुजोग हराए गंभीर पाठकों बाहर अनेक पाठक आज व्यस्त जीवन में लंबा गप पढ़ा पसंद करते ना कि प्रादेशिक भाषा और इंग्राजी ए धरण पाठकों पसंद मुताबक छोट व लघु गपर परंपरा टी अच्छी गप केवल निज भाषा लोकप्रिय नुहे से गुड़क भी प्रचुर परिमाण में अन्यान्य भाषा को अनुदित हो जाऊँगी तेणु ओडियारे प्रवीण और बड़ लेखक मैंने छोट गप लेखा उचित बोली मोर मत से जो गप लेखुंता भी लेखत कितु छोट गप भी लेखत सबुठ बड़ कथा अन्य भाषा भाई ओडियारे छोट व लघु गपर लेखक को सम्मान दिया जाऊ गंभीरता सह ग्रहण करा जाऊ नुआ समय तिष्ठि रहा ये गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग बोली मोर मत मु गोटे कथा कहवा चाहेजे मुझे कहवा चाहेजे एसबू मुझे कहवा अर्थ नुहजे ओडिया गप विफल बोली मोर मत ओडिया गप आम साहित्यर सबुठ लोकप्रिय विभाग यार पाठक सबुठ अधिक तेज सफलतार से दिग गुड़ आलोचना कर मुंकर समय नष्ट चाहूना कारण मुझे कथागुड़ समालोचना नई जमी स्वीकारोक्ति आम गपर प्रशंसा कले आत्मप्रशंसा व आत्मप्रशस्ति होगा चाहूना गाल्पिक मैंने आत्मप्रशंसार रुचि रखती ना यार मत कहार सुजोग दी आयोजक मान धन्यवाद रखिंटे
नुआ लेखक सृष्टि करा दरकार एवं सेमाने कौन लिखिबे आगामी समय रे किंतु आशीष को मु पचरिवार कथा जे वर्तमान समय रे जहां लेखा चली छि ता भितरे अभाव बोधटा कौन रही छि जोथ पे तुमे कहुछ जे भविष्य रे एई भली लेखा जीवा आवश्यक किछि अभाव बोध को तुमे अनुभव करुछ गोटे दृष्टि मु अभाव बोध जे अभाव गुड़िक रही छि ता मध्य या भितरे कहि दे छि बोली मु भावु छि जमीती कहले वर्तमान समय रे ओडिशा ओडिशा राज्य एवं ओडिया समाज जो सब समाज समस्या एवं जो सब परिस्थिति समस्या केवल नुहे परिस्थिति जो समय भीतर दे गति करुछि तार प्रतिफलन गपरे ठीक रूप रे हेबा उचित बोली मोर प्रचुर प्रचुर परिमाण रे हेबा उचित बोली मु भावुछि एई क्षेत्र रे आमे कविता टू ओडिया कविता टू पछरे पड़ि जाइछु गप गोटे पार्लल हिस्ट्री बोली कहा जाए जहाँ भीतर गोटे स्थान गोटे राज्य गोटे देशर एवं गोटे जातिर इतिहास किसी झलक देखा को मिले ताकूपारती आप भावप्रवण इतिहास देखा मिले ताहा आम गपरे देखा मिलूना मिलूना हुए तो आम मैने अन्य लेखक शब्द को व्यवहार कर हुए तो आम मैने गप उद्भावन करुचु आम चारिपटे थिबा गप गुड़ी को आम आविष्कार करने को चेष्टा करना बोली मु भावुची धन्यवाद आशीष मु भावुची आमर जो आउ दुई जन अछंती वक्ता से माने तांको वक्तव्य रखंतु तापर आम आपण मानक पाखु जीव आपण मनर जदि किछ प्रश्न थाए आपण पचारिबे परवर्ती जहांकु मु वर्तमान अनुरोध करिबे आसिबा पई श्रीमती पारमिता शतपथी तांको संपर्क रे कहिबी जे मो मनरे अनेक समय रे संदेह आसे बहु पाठकक मनरे भी आसुथिबो से जहाँ कहिबा को चाहंती आमे गप कहिले जोटा मु कहुतली जे जीवन सहित अंतरंगता जंत्रणाबोध सहित सामिल हबा किछि वक्तव्य थाए कहिबा को हुए एवं घटना और चरित्र को अंतर्दृष्टि दे देखिबा को हुए से बेले बेले एमिति किछि चरित्र तयारी करंती जो चरित्र माने हुए तो साधारण रे आतजात हुवंती नाही किंतु सेई चरित्र को एक महार्घ स्तर को से नै जानती एवं से स्तर एते उच्चतर हे जाय एते महनीय हे जाय तेणु तांक पाखरे गोटे कलगाल मध्य अति अंतरंग भाव दृश्यमान हुए एवं तार जो वक्तव्य थाए से आपण से द्वंद्व भितर रुहंती जे यहाँ ग्रहण करिबे ग्रहण करिबेनि किंतु शेष रे आपण ग्रहण करंती जेमती डॉक्टर गौरहरी दासंकर गोटे गप थिला जो गपरे से गोटे हर्माफ्रोडाइट जहाँ को ओडिया रे बहुत कदर्ज भाषार व्यवहार करा जाए आम जदि कह पुरुष नुहे बा नारी नुहे ताकु चरित्र करी से गपटीए लिखिथिले एवं ताकु तार मानसिकता को नहीं से निर्दिष्ट भाव प्रमाणित करथिले जे से होची गोटे नारी ठीक से ही बड़ी पारमिता गपरे खूब आधुनिक चरित्र माने थांती आधुनिक अर्थात जड़े अति उच्च अर्थनैतिक स्तर में आतजात होता व्यक्ति विशेष नुहे तार मानसिकतार आधुनिक एवं निज वक्तव्य से अत्यंत शाणित जो थे विश्वास करे से विश्वास को से धरी रखे एवं ताकू प्रतिपादित करे तेणु पारमिता कहला बेले कहिबे जे मुझे भावुचे आम चारिजण भितर जदि सबुठारु आधुनिक किए एवं जदि प्रकृत रे आधुनिक समय रे किछ गोटे भाषा थाए ताले से भाषा पारमिता को गपरे प्रतिफलित हुए एवं तांक गप मध्य जातीय स्तर रे बेस प्रशंसित एवं आदृत हो पारछि तेणु से कहिबे जे से गपर पृष्ठभूमि से कोठु तयारी करंती किभली ए आधुनिक समय को से देखती एवं ता सहित से जीवन सहित अंतरंगता थाए कि नहीं एवं कोठु से चरित्र मान को बाछंती श्रीमती पारमिता शतपथी ताली सहित आम स्वागत करिबा मंचासीन विशिष्ट साहित्यिक श्रीजुक्त गौरहरी दास श्रीजुक्त देवप्रसाद दास आशीष गडनायक और मो सम्मुखे उपवेशित साहित्यिक एवं साहित्य प्रेमी बंधुगण कलिंग साहित्य महोत्सव रे जोगदे मु आनंदित एथिपाई जे अनेक दिन रु मते तांकर कर्मकर्ता कोऑर्डिनेटर अशोक बाबू कहिथिले जे आमे ओडिया रे ओडिया साहित्य उपरे किछि आलोचना करिबा एटा तांकर प्रथम प्रयास मोर विश्वास आ परे से माने आहुरी भल भाव रे एहाकु आगै नेबे से जा हो आजर जो विषय एवं जहाँ बंधु गाल्पिक बंधु देवप्रसाद कहिले जे
गल्प साहित्य रे बा साहित्य रे आधुनिकता कौन मो मतरे साहित्य रे आधुनिकता मु बाग्मी नुहे साहित्य रे छात्री छात्री भी नुहे केबे तबे मु अल्प किछि चुंबक रे आपन मन को कहबा को चाहे जे मु कौन भाबे आधुनिकता जहा साहित्य रे साहित्य रे प्रतिभात चिरंतन शाश्वत किछि उपलब्धि और अनुभव को अनुभव रे नूतनत्व आरोप करिबा मो मतरे आधुनिकता प्रतिटि उपलब्धि और अनुभव रो अनेक स्तर थाए अनेक प्रस्थ थाए समय काल एवं पात्र नै विभिन्न समय रे विभिन्न पर्याय रे विभिन्न साहित्यिक कृति साहित्यकारक सुदक्ष हस्तरे तार प्रस्थ प्रस्थ होई से उन्मोचित होई थाए किंतु एपर भी किछि रहि जाय थाए जहाँ उन्मोचित हवा को थाए एवं तार से जो निर्जास एवं से जो नूतनत्व आरोपित हुए एक कालखंड रे ताकु बोध हुए आधुनिकता कह जाय पारे सेइटा हला जहाँ अन्य मानंकु देखेबा जहाँ आज पर्यंत दिसि नथिला किंतु तारी भितर थिला ता माने नुहे जे फकीर मोहन क रेवती आधुनिक नुहे बा पचास वर्ष परे मध्य से गप आधुनिक नथिबो से सबुबेळे थिबो एथि पई जे आधुनिकतार गोटे प्रासंगिकता मध्य अछि आपण मानकु आउ गोटे उदाहरण मु देबा को चाहू छी आमर अन्य एक युग जाय गल्प मागुणीर सगड़ मागुणीर सगड़ होउछि एमिति गोटे गप समस्त आपण माने पढिछंती सेथिरे लेखा अछि जे जंत्रिक जांत्रिक सभ्यता जेतेबेळे आसिला साधारण भाव में सगड़े चलाउर मनीषर की दुरावस्था है किंतु गोदावरीश महापात्र भाया चिंतानायक सी कौन चाहून जे ओडिशा अभिवृद्धि घटू ओडिशार पुरपल्ली लोक मैंने हईरा न हूँ एवं एत अधिका समय सगड़े न दिंतु एवं से बस अन्न्य जानवाहन चलू ना से कथा नुहे सहित से गोटे कथा उपर लेखा पर्यवेक्षित करिसेंती जोटा होची मानविकता और संवेदना तो यही मानविकता और संवेदना सबु स्तर रे आधुनिकतार प्रतिपाद्य हो आसी वर्तमान मध्य आमे माने विस्थापन नहीं लेखुचु अनेक कृति साहित्यिक लेखुचंती मु मध्य किछि लेखिछि विस्थापन विस्थापन होची ओडिशा रे विभिन्न बड़ बड़ प्रोजेक्ट विद्युत उत्पादन पाई एवं अन्य खनि खदान पाई लोक मानक विस्थापित कर जनजाति को विस्थापित कर पुरपल्लीर लोक मान विस्थापित कराने साहित्यिक मान कौन चाहूना जे आम राज्यर अर्थनैतिक प्रगति हो अभिवृद्धि हो ना से कथा नुहे से मैंने चाहती से मानविकता और संवेदनार विलयन हो बोधे मो मतरे आधुनिकतार बिवर्तन मध्य अच्छी चिरंतन शाश्वतता सह बिवर्तन अछि जे बिवर्तन बाद दे आधुनिकता प्रति समय प्रति कालखंड रे जनमानस को छुए एवं आधुनिक साहित्य से ही समय रे से ही कालखंड रे से काल एवं पात्र उपर एते अधिक निर्भरशील जे पाठकर जनमानस रे एक चिन्ह सृष्टि करबा को चेष्टा करे से चिन्ह सृष्टि करि परबा हला मध्ये तार आउ गोटे विशेषत्व एमती गोटे कहानी ना जहाँ कहा हुई एमती गोटे कविता ना जहाँ लिखा हुई ना पृथ्वी रे साहित्यर भंडार अमाप समुद्र परी जुगे जुगे साहित्यिक मान से खूब छोटिया बुंदाए पा मात्र योगदान दे तेब कौन आम मैंने लिखुचे बामर परपीढ़ी कौन लिखे से मैंने लिखुंट से ही कथा को किंतु तर गोटे नुआ कि किसी गोटे अलग भाव निज ढंग से कह चेष्टा करंधु देवप्रसाद कहले निज ढंग से आपण मान कह चेष्टा कर पाठकर जनमानस गोटे चिन्ह सृष्टि करुच्ची बोध हुए आधुनिकता नारी कवि और नारी लेखक गोटे स्वतंत्र गोष्ठी बोली भावे ना एमती गोटे टीण बाक्स भितर तांको भर्ती करिवार किछि कारण नाही भावे तेबे भी मु भावे जने नारी लेखिका बोध हुए नारी रो मानसिकता को अन्य भावरे पृथक भावरे मु कहू नाही भल भावरे पृथक भावरे देखि पारिबो एमिते नुहे जे
नारीटिए केवल निर्यातना अत्याचार विषाद अप्राप्ति मध्य थाए नारीर मध्य प्राप्ति अच्छी हर्ष अच्छी उल्लास अच्छी पुलक अच्छी विस्मय अच्छी अनेक प्रकार अनुभव उपलब्धि अच्छी जहाँ से प्रकाश करने को चाहे वर्तमान साहित्य सारा विश्वरे विश्वरे प्रकार कथा जहाँ कि पूर्वर गोटे अन्य रास्ता दे निर्धारित अन्य निर्धारित रास्ता दे गति करूला ताधे कि परिवर्तन एवं गोटे अकुहा कथा कह चेष्टा कर मु मोर केत गल्पे कह चेष्टा कर गोटे जोड़े गपर उदाहरण दे देव बाबू मोर केत गल्प जथा प्रोफेशनल अभिसार बंद द्वार दुई नारी कुरे फूल एमती केत गल्पे मुझे विषय कह चाहिए मोर कह कथा जे गोटे जेकोसी उपलब्धि अनुभव को एक अन्य भागरे निज ढंगरे निज भागरे जहाँ कि सही समय पाठक मानकु आकर्षित करिवो तांको भीतर गोटे चिन्ह सृष्टि करिवो एवं तार गोटे कालजयी एवं चिरंतन शाश्वत मूल्यबोध मध्ये थिबो ता होची आधुनिकता आउ कोन पचारि थिले देव बाबू भूली गली पचारि थिले बोधवे मु जो गप मानकु केते गुडे गप ना कहली प्रोफेशनल दुई नारी बंद द्वार एवं अभिसार मु जानिनी आपण मानक भितर के पढ़िछन्ति कि नाही कुरे फूल से सब काल्पनिक नुहंती एई चरित्र मानक मु कोठिना कोठी भेटिछि मते से माने अभिभूत करिछन्ति अनेक समय रे मु कल्पना स्तर रे मध्य गोटे छोट उदाहरण देबी बस गोटे मिनिट रे कुरे फूल बोली गल्पटे एटा विस्थापन उपर लेखा आइछि जदियो झियोटिए जे कि अंगनवाड़ी पाठ पढ़ाऊँ सीए विस्थापन विस्थापित होता जनजाति पुरपल्लीर झील नुहे सेपटर झील जी जा भवानीपाटन गोटे दुर्गम जगार काम करुच्ची जो जो लोक मैंने मझीरे आसुच्च मिडिल मैन जहाँ को कह जाए आम जो मैंने आसिकी से निष्पेषित करने शोषित करने चेष्टा करठिकार जनजाति मानक ता भीतर जन को से भल पाई किंतु तार मनोभाव जानला जदिओ से द्वारा बलात्कार शिकार होना से बलात्कारी बोली कहुची कहीं तार जो मानविकता संवेदना और मूल्यबोधर से बलात्कार करमती गोटे आपण को अधिका उदाहरण दे निज गपर आपण को क्लांत करदे चाहूनी मो पर आमर प्रचंड बाग्मी साहित्यिक श्रीयुक्त गौरहरी दास को आपण माने सुनिबे धन्यवाद संतान संतति जेतेबेले हेले से समानक कथा बुझला तापरे आउरी तार दायित्व बढ़ी 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 चलला स्त्री हेला इत्यादि इत्यादि किंतु से निज पाई गोटे निर्दिष्ट निवृत्त मुहूर्त जो थे केवल से निजे हेकि बंचिबो सेई मुहूर्त टी कोठी थाए एवं ताकु से अति चमत्कार भावरे परिवेषण करथिले आपण मानकर जहाँ प्रश्न थिबो आ आमर जहाँ प्रश्न थिबो परवर्ती समय रे आमे नबा डॉक्टर गौरहरी दास कथा कहला बेलू मोर गोटे कथा मन को आसुच्चे बहु गप संकलन अच्छी स्वप्नपाई राति काही भारतवर्ष मटिकंडे पुनरावृत्ति माया घर अहल्यार बाहागर इत्यादि इत्यादि किंतु सबुठ जो निजस्व परिचय ता हूँ जीवन जल छवि मु जीवन जल छवि को निर्दिष्ट भाव में गप कहूना किंतु से कहीं अवतारणा करुच्चे तार कथा हला जे सबु बेले गोटे स्रष्टा जीवन रो जल छवि को ही से विभिन्न उपाय ताको छापु थाए जेमते आमे आणु जल छवि एवं तादरे पानी लगे ताको घसी दो एवं सेटा पुनरुपस्थापित हो जाए चित्रटी कागज उपरे ठीक सेई भली से जीवन को उपस्थापित करंती तेणु तांको गपरे आपण पृष्ठभूमि रे देखिबे तांको गां तांको नदी तांको चाटशाळी तांकर सहपाठी माने किए कोठी बस रे कंडक्टर हो जाइछंती किए छुआ बाबाजी जा किए कौटी जाए से समस्ते विभिन्न समय रे रूपांतर किंतु विभिन्न समय रे से माने पुनी प्रतिभात होती आउ गोटे गोटे नुआ रूप से तेणु जो कथा से कही आसी कौन अबांतर एवं अजथा हो जो प्रश्न मुझे पचारूँ नूतन शताब्दी हो नूतन सहस्राब्दी हो नूतन दशंधि हो नूतन समय हो से समय रे जहाँ से लेखि आसी मुखबंधर अवतारण आउ थे करी से कहते मुझे जाणी सेमती लिखी मुझक पर करना तेणु बर्तमान मुझे अनुरोध करुच्ची डॉक्टर गौरहरी दास को से वक्तव्य उपस्थापन करेंगे ये जो प्रश्न आम मनरे सब अच्छी
से प्रश्न को से उन्मोचन कर अन्यमनस्क अपराह्न लगुच चेहरा देखने जमापड़ आपने क्षुधार्थ गोटे अपराह्न अपराह्न गोटे अन्यमनस्क अपराह्नर क्षुधार्थ श्रोता मान से नपढ़ी गपगुड़िकर गाल्पिक किसी कह ये गोटे बड़ विषम समस्या मु रश्मिरंजन परिडा को बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ कारण या पूर्व जो सब उत्सव हो भुवनेश्वर मुख्यतः इंग्रेजी खबरकागज गुड़िक द्वारा इंग्रेजी पाठकों पर इंग्रेजी लेखक मान संपर्क कराऊे गोटे ओडिया लेखकों पर कि गोटे कार्यक्रम करे ये प्रकार परिकल्पना कले सी पुणे ओडिया शास्त्रीय भाषा घोषणा हार पर तेणु मुझे ओडिया लेखक तरफ पाठक मान तरफ आम समस्त तरफ सी हो धन्यवाद अंत आम गोटे जनवा जदिव मुझे भावुची परवर्त समय जदि से कार्यक्रम देवप्रसाद अच्छा पारमिता अच्छा मुझे अच्छी मुझे भावुची आ कि भाव में अधिक सफल हो पार कौन कौन हवा कथा से संपर्क आलोचना करपे जमी मुझे देखुचे आपण मैंने अच्छा अनेक आशीष कहते जो चेतन भगत कथा कहते चेतन भगत पाठ किए जेतोले आईटी सेक्टर जेतोले बढ़िला जेतोले कंप्यूटर चाकरी पाइले जो माने वर्षकु जो माने इंग्लिश मीडियम स्कूल ले पढ़ले आठ लक्ष दस लक्ष बार लक्ष पाइले से माने जेतोले जोठी गले सेठी से बही पाइले पढ़िले से माने तांकर हेले आपणकर बालू बाजार बहीटे छपा हेति हो कटक रे आपण भुवनेश्वर चेष्टा कले मध्ये आपण पाई परबे नाही किंतु काली गोटे आलिस मुन्नकर को बही बा अन्य जेकोनसे बही न्यूयॉर्क रे छपा हेतले मध्ये तार 48 घंटा भितर दिल्ली रे आसीकी बा ए चुहिलर आसीकी मिली पारिबो तेणु आपन ओडिया बही पाठक समस्या जहाँ गल्प कथ आलोचना करी आप पढ़ा बही स्कूल मानक कलेज पढ़ी सी गपट मन रखें जमी रेवती जमी मगुण शगड़ जमी मंसर बेलाप ता ना खबरकगज जदि खूब ये प्रदर्शक बस ना गाल्पिक मान सी होती गपर पाठक अध्यापक बस यदि कही तेणु मु रश्मि बाबू को अभिनंदन जनाऊँगी अभिनंदन जनाऊँगी देवप्रसाद को सी आम संपर्क में बहुत बहुत बड़ बड़ कथा भल भल कथा सब कह शुणा भल लगे विश्वास करते बर सी होंगे आम समाज जन बहुमुखी प्रतिभा सी सिनेमार पार्ट कर कार्यक्रम संयोजना करशी नाच ठू नहीं चंप पर्यंत सी पुणी विडीआर अफिसर हो घर बाड़ी भांगुं मुझे गप लिखुआ लोक कौन घर भागुंव पुणी अन्न काम कर प्रकृत में विशेष किसी कहबार नहीं मु आपको पाँच सत मिनट खाली आपण समय ने जो ये संदर्भटी रही भविष्य गप से संपर्क में मुझको गोटे छोट कथा कह चाहे धरतु मुझे गोटे गप कहे गोटे गोटे युवकटे थी रजा झी को भल पाला रजा झी कह तू तो माँ को मारिकी तार जो कलेजा आणिक मत दबु ताल मुझे तो बाहर झीटी को एत भल पाला जे से युवकटी सी आर्ज रही पार्लानी गला ता माँ को मारिदेला मारिकी तार कलेजाटा को लेकिन गोटे सारू पतर नहीं जाऊँ गोटे हिड़े बाजिगला जो झुंटी पड़ा तार नख टे खंडियाला कितु ताप देख ला कलेजाटा को लेकिन जीव क्या रजा झीता बाहब से मार कलेजाटा को गोटे जाऊँ मार कलेजाटे कौच धनरे झुंटी पड़लु कष्ट कि ये गपटे ये सरी रजा मैंने चलीगले रजा झी हूत नए गोटे जोड़े रजा झी गोटे रजा झी बाहर अवश्य भुवनेश्वर देखिले किंतु यही रजा रजा झीटा बड़ कथा न मार जो अनुभव पु प्रति मार जो अपत्य स्नेह यहाँ कौ समय यहाँ अतीतर ना सांप्रतिक ना भविष्य समय आउ गोटे कथा धरत आपस्त पढ़ी जोटा गप पढ़ी से प्रकार गप कौच स्वामी स्त्री एवं स्त्री भाई मान तार कौन हम तार धरतु हम कौन शा शा भिणई एवं ये से मैंने जाते बाटे गोटे मंदिर परित्यक्त ए निकट में कही थी परित्यक्त मंदिर पड़ी प्रथम कौन हो स्वामी टी सी जा मंदिर भितर को से मंदिर भितर गला से मंदिर अंधार परेश भर ता भर भावातर हो जीवन बंची लाभ कौन सेठ से देवी गोटे खंडा अच्छे से खंडार आने के बेकु काटिदे दिगढ़ से मरी जाऊपर ये झीटर भाई जी सांगर जाऊला सी भी ताकि जाऊँ सी जा कहि अरे ये तो मरी जाइए बर्तन मुझे जाके मो भी कह से मरी जाता से मत सन्देह कर तू बोध खंडार तक हाणी देचु मत तो सन्देह कर मो भी लाभ कौन सी भी से खंडार दिगढ़ करके मुंड को
काटिदेला एवं से सेठ मरीगला। अनेक समय अपेक्षा कलापर एथर झीटी निजे जा स्वामी दशा ता भाईर भी दशा से निज खंडार मुंड दिगड़ कर मरवाक जाता जो देवी से कहते जे तु से भूल करना से जो मो पाद जो मंतुरा पा अच्छी छिंचदे मुंड गंडी जोड़ दे कि तु से बचीजे अंधार भितर से मुंड एटी पड़े गंडी एटी पड़े आोटा गोटी कर मंत्रा पा पकई से बची जाइंतापर जो बाहर की आसूँ आलुअर देखुचे से कि भूल करदे जो स्वामी गंडी में भाईर मुंड भाईर गंडी में स्वामी मुंड जोड़ दे बेताल विक्रम कथा आपण मैंने जानते पचार बर्तमान किए तार स्वामी हम जोटा केवल मुंड स्वामी मुंडटा लगी आउ सब जगह भाईर से स्वामी बोली ग्रहण कर ना जोटा स्वामी जोटा माने रही कौन मुंड माने स्वामी मुंडटा ग्रहण कर ना देहटा को ग्रहण कर गोटे आधुनिक गाल्पिक होते से लिखे धरत मुंडटा ठीक स्वामी भाई दिशी कि छाती स्त्री कौन दिन लिखि था मुझ तुमको भल पाए जिते से भाईर चेहरा को देखु बेनियन खुल्ला जो सी धाड़ी देखु ताकि कि प्रकार प्रतिक्रिया होता है बहुत वर्ष तलर भारतीय गल्प कि मनस्थित जो मानसिक द्वंद यहाँ पुराणा दिन ना आधुनिक दिन मुवल खाली गोटे कथा कहवाक चाहे जे जो समय क्रम जो गप को भांगुचु जे यहाँ हूँ ऊनविंश शताब्दी यहाँ हूँ विंश शताब्दी यहाँ एकविंश शताब्दी यहाँ गोटे दृष्टिकोण ठीक कौ दृष्टिकोण ठीक मुझे कहि कि अनेक दृष्टिकोण मनुष्य जो अनुभव मनुष्य जो क्रिया प्रतिक्रिया मनुष्य जहाँ ताकि संवेदना ताकि करुणा ताकि अपत्य भल पाइबा ये सब गुड़ स्थायी यार कौन से परिवर्तन हम ना किंतु केते गुड़िया कथा अच्छी हुए तो बदलू जो कथा देवप्रसाद कहते केते गुड़िया कथा कि बदलू एवं आम से बदल पदध्वनि देखुचु आम गल्पे जो बदलू मुतापूर्व आउ गोटे कथा आपको कहवाक चाहे गप हो कविता हो मु आशीष गोटे कथा कहले मुझे किसी परिमाण में एकमत किंतु एकमत नुहे से कहले जो कवितार जो सांप्रतिक जो समाज छवि देखुचु देखुनु प्रकृतर कथा हूँ जे फोटोग्राफ एवं खबरकगज एवं साहित्य यह भितर गोटे फरक अच्छे फोटोग्राफटे जहाँ जमी दिशुची ता दिशिला खबरकगज तार नेरेटिव तार वर्णना देला एवं गप जहाँ देवप्रसाद टी कहते आज उन्नीस अनेशत महावात्या होगा मुझे सांगे सांगे लिखी महावात्या गप हुए तो सी गप हुए तो ठीक भाव लिखिपर कि ना मुझे जानी कारण मु भावे जेकोसी गोटे उच्च जिनसर उच्चताटा के देखापू निरापद दूरत्व को जीवा पड़ो से गोटे घटनार कि दूर को नगले अनासक्त भाव में तार मूल्यायन करें कहुए समकाल और सतीर्थ ये अनासक्त मूल्यायन करते ना देवप्रसाद जिते प्रतिभाधर होता मुझे समकाल समवयस्क होती मुझे सब गोड़ टाणी सी कौन लिखुच्च अफिसर अच्छा समय पाँच लिखुंत मुझे ठीक भाव करें सेमती समकाल पारे हुए तो भवभूति कही विपला चपृथी कथ नहीं किंतु अनेशत महावात्या बीतीजार अनेक वर्ष पर जदि गोटे गप से लिखाई तो से महावात्या को नहीं लिखाई तो गोटे गप से गप पढ़ला आप एयर कंडीशन रूम भितर थाइक भी झड़ भाया थर 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 हे एरसम लोक परीक्षा सेत जानवे जा गप सफल होता ना से गप सफल हो जाए एवं सेथिपाई से को प्रकार भाव लिख किभली भाव लिख निर्भर करे मुझे आज देखिली का लिखिदेली से भावी तार ठिकाणा हमारे हो पारे ना साधारणतः साहित्य को आम दी दीटा मापकाठे व्यवहार कर पारा कौ गप मन रहे जहाँ पढ़ला बेल भल लगुव पढ़ी सारापर से गपटा मन रोथ पठनीयता और स्मरणीयता ये हूँ तार दीटा माप कौ साहित्य को लोक भल पाइब दि प्रकार आम लेखक अच्छु गोटे प्रकार लेखक अच्छु कवि मानक बहुत परिमाण दायी करी गोटे प्रकार काच अच्छी जी हूँ स्वच्छ काच एवं गोटे ऐना अच्छी ऐना सामने जदि आप सका संज पर्यंत ढड़ा हे केवल आपणकर छवि आपणकर छवि आपणकर छवि ता व्यतिरिक आउ कि दिशा नहीं कविता अच्छी एभली गल्प अच्छी अधिकांश समय केवल तारी प्रेम तारी विरह तारी भल पाइबा ता छा बाहर को आप जापर नहीं सरगला
आउ गोटे प्रकार साहित्य होचे स्वच्छ काच आपण जदि ता सामनार छिडा हेबे ताहले आपण निज छवि देखंतु न देखंतु ता बाहर अवशिष्ट पृथ्वी को आपण देखि परिबे सेठी गुड़ी उड़ुची सेठी पहाड़ दिशुची सेठी चढ़ई उड़ुची सेठी गरीब छुआटे हुए तो गाई चोरे जाऊँगी सब किसी देखिपारे एवं से साहित्य बेस दिन मन रहे बेस लोक जाए आम देखा भितर अनेक कथा आम जीवन हजि जाऊँ मामु घर हजिजी उदाहरण स्वरूप तो मोर गोटे झी तार कल पिला पिला तार मामु घर कथ रही कितु मामु घर को लेकिन आम के साहित्य ना के विहल मुहूर्त मान अच्छी एपरिक चका चका भरी मामुघर चौहरी आम से करें बढ़ीचु बाघर जो कथा अनुष्ठान से मध्य रही सन्देह प्रकाश पाला बाघर तो मैंने स्वामी स्त्री रे कि बाहर कि ना सी गोटे कथा डाकघर रही चिठी रही चिठी तो बर्तमान ना रेडियो रही टेपरेकर्ड रही खबरकगज लोक रही लोककला परंपरा गोटे बाहर कले हूहुड़ी हलानी हूहुड़ी कारण झील मैंने बहुत थे से कहे आम तो बर्तमान भिडियो टी रेकर्डिंग होहुहुड़ी दे मुह खराब दिशु आम हूहुड़ी कहीं जन दिन शिखी से दे हूहुड़ी रहा अनेक गुटा कथ रही ता बदल आसला कौन बर्तमान लिव इन रिलेसनशिप रहा आम समाज जन गाल्पिक सहदेव साहब से लिखिं से स्थिर कले पुओटे झीटे से सी भी रोजगार कर रोजगार कर से भर बाहर कह रही दायित्व तो बहुत किसी ना आम जमी रही सात जन्मपाई कौन घेरा दे कि सी कथ रही सब बड़ कथा हूँ स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन हूँ आम मान गाँ मानक समस्त घर अलग अलग था पारमिता घर अलग चौरा कौटी खाया कौटी देवंर घर अलग आशीष घर अलग मुझे जाइए बर्तमान सब आपार्टमेंट घर किणाज प्रियदर्शी मिश्र नेता घर जमी रश्मि घर सेमती देवंर घर से आम आउ से चौरा फुरा कथा बो आसिले से कह मो बो जो आसला ठाकुर पूजा करने मुझे टैप देवी कह टैप पा दौचु मुझे कह तु विश्वास करना चंडी दुर्गा सब ये टैप पा रोच तु भूली जाए कि असुविधा तर हेनी नहीं करने संपर्क आपड़ आज कहीपर अजा मोड़ासुर पीयूष सब वयस्क लोक मैंने अंकल सब वयस्क स्त्री लोक मैंने आंटी मो बापा आसी आम घर थे से तीन चार दिन पर गाँव को पलिगले कह कौन एटी किए आस अंकल किए कौन ग्रांड पा किए कौन डाड कौन ये मुझे यही षाठी किलोमीटर दूर मो परिचय तुम मैंने परिचित हो मोर ये किसी परिचय ना मैं अत्यधिक प्रतिक्रिया कले मुझे किसी दोष ना आमर जलखिया से हलदीराम भुजिया आसव से ब्रेड आसव से गांगुराम मिठा आसवे आमर सब कथा बाहर निमंत्रण पत्र समस्त एका आपार्टमेंट सब एका मुझे थी कहीपर आप कौन किचन एव्रीथिंग मुशद पाऊन ये स्टैंडर्डाइजेशन जोटा रोचे नहीं करने आमर घर निर्दिष्ट नागरिक निर्दिष्ट ठिकना रही बहुत दिन पर गोटे सुजोग मिलता आमेरिका देखी अनेक लोकर से मोबाइल फोन ये आसी ना 96 मसीहा कथा कौच लोक मैंने कौन कर बड़ बड़ भ्यान धरी एटीएम अच्छी मोबाइल फोन अच्छी जिते मत पचार तुम ठिकना कौन मुझे 378 बरमडा भुवनेश्वर से कह तुम कौ जुगर अच तुम इमेल आई डी मगुच किए कौन तुम घर को जीव बर्तमान एटी भी होगा लोक केवल मोबाइल फोन टा धरवे बड़ भ्यान धरवे जो भ्यान ले गाधुआ घर भी अच्छी शोवा घर भी अच्छी अफिस् कम करेंगे मोबाइल फोन टे दरकार एटीएम कार्ड जो करेंगे मोबाइल भ्यान टे दरकार आज मुझे चाकरी कर दिल्ली में से पुणी केवल भेटाप आसब गाँ को से कथा ना से जो पाँच करेंगे से कथा एटी है आम ओडिया गल्पर मत कि से कथा मुझे देखा पाइले यही भाव अनेक कथा आम देखु एवं सब कथा आगामी शताब्दी गोटे बहुत बड़ कथा नारी मान स्वर बेस स्पष्ट हम आपन बर्तमान देखिए पृथ्वीर भारत सब बड़ बड़ पुरस्कार किए पाई ज्ञानपीठ पाई प्रतिभा मैडम आमर सरस्वती सम्मान पाई सुगाथा कुमारी केरल आम नोबेल पुरस्कार पाई आलिस मुंडर पाई बुकर प्राइज पाई कौन तक ना एथर जो झीटे बुकर प्राइज पाई हाँ सी झीटे भी मानते पृथ्वीर भारत सब कहीं एपर्तंत पुरुष पुंगव जो देखते से प्रकृत बड़ बेस जो नुह तुम रही जाओ आम बाहर की जाऊ मो पादे जमी मो मामू के सांगे खाइला बेल मे तरतर खाइए मुझे हाथ धरती तुम टूर एत तरतर कौन खाइब तुम अटक मुझे मैं खाई सारापर तुम्हें खाइब ये कार्यक्रम ठीक नुह आम अनेक दिन पर्यटन नारी मैंने कहते तुम्हें रुह तुम्हें कौन जी सभा समिति पान फान भांगि दि एक तुम रुह मुझे बर्तन सभार आसे सूचना भवन नारी मानकर स्वर अति स्पष्ट हबो दलित मानकर स्वर स्पष्ट हबो
ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଚାଲିଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହସ୍ୟ ବୋଧ ୟାକୁ ନେଇକି କଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ମନରେ ଭୟ ରହିବ କାରଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ମଣିଷର ଜୀବନ ଦୁଇଟା କଥା ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋଭ ଗୋଟେ ଭୟ। ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନର ପେଣ୍ଡୁଲମ ସେ ଲୋଭ ଭୟ ଅଛି, ଲୋଭ ଦେଖାଅ ଅମୁକ ଅମୁକ ହେଇଯିବ ସମକକ୍ଷ କରିବେ, ଭୟ ଏଇଟା ନ କଲେ ଏଇଟା ହେବନି, ଇଏ ତ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନୂଆ ସମୟର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଆସିବ, ମୋର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମଣିଷର ସମୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭୂଗୋଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଭବ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ଥିଲା ସେଭଳି ଭାବେ ରହିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗପ କଥା କହିଲି ସେଇଟା ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପଠନୀୟତା ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟତା, ଇଏ ମାପକାଠିରେ ଯେଉଁ ଗପ ଜିତିବା କଥା ସିଏ ରହିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଗପ ଅଇନା ଭଳିଆ ହେବ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ହେବ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା, ସେ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ଚେହେରା ଦେଖିହେବ ସେଗୁଡ଼ା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବଦଳିଯିବ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି କିଛି କଥା ଯେଉଁ କଥା କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସମୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଗପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାରମିତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶିଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦେବଲେଖ, ସେମାନେ ସେ ପଦଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଦରକାର ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଭଳିଆ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତର ବହି ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କିଛି କିଛି ଆପଣ ଦିଗ୍ବଳରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ପାଇଲୁ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି କିଛି ଏଠି ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଯିବ, ଯେମିତିକି ମୋ ଘରେ ଥିବା ପିଲାଟି ମାଉସୀ ବୋଲି ଜାଣିବ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ପାରମିତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପିଲାଟି ମାମୁଁ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଙ୍କୁଚିତ ପୃଥିବୀ, ସେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ମାମୁଁ ମାଉସୀକୁ ନେଇ ଗପ ତ ଆଉ ଲେଖା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ରହି, ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିବି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ, ରହିଲେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆସେ ଏବଂ ଲେଖି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ରୁନ୍ଧି ହେଇ ରହିଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ପୃଥିବୀ ହେଲା ତାର ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ଠାରୁ ଘରର ଅଗଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି, ପାରମିତା ତାର ପରିଚୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆସନ୍ତା ଗତକାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢ଼ିଥିବେ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ରେକର୍ଡକୁ ସଜେଇକରି ଘରେ ରଖିବା ସେଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଘର ସଜାର କାମରେ ଲାଗୁଛି। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବୁଲେଇବା ଏବଂ ତାର ପୁଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଚାଳ ଘର ବହୁତ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଟରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଲାଣି। କେରଳରେ ସେମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମସାଜକୁ ନେଇକରି, ଯାହା ଅତି ପ୍ରାଚୀନତମ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗ ତାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାରରେ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, କିଛି ଲୋପ ପାଇଯାଏ ନାହିଁ, ସମୟ ବଦଳେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଜୀବନ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଲେ ଆମେ ସମସାମୟିକତାକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରଖିପାରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆଶିଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗଳ୍ପ ହେଲା ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ସେହି ସମୟର ଇତିହାସ, ଆମେ ଯଦି ଆଜି ରେବତୀ ପଢ଼ିବୁ ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ହେଉ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଇଜା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା, ସେସବୁର ସମୟର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି କଥା ପୁଣି ଆସିବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯଦି ଧୂଳିଆ ଭାବା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ବାବାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦଉଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସେହିସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧୂଳିଆ ଭାବା ସଂସ୍କରଣ ନୁହନ୍ତି କି? ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ହଉ, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେବେ ପୁରାତନ ହେଇଯିବ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହିଭଳି ଆଧୁନିକ ହିଁ ରହିଥିବେ, କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେହି ଧୂଳିଆ ବାବା ଦୁଶୁଥିବେ, ସେହି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଦୁଶୁଥିବେ, ସେହି ଡାକ ମୁନ୍ସି ଦୁଶୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ହେଇକି ରହିଥିବେ, କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିବ।
गोटे आलोचना मुझे पढ़ी रेवती रेवती सेमती गोटे पढ़ी रांडीपु अंता चरित्र को नहीं जो चरित्र को समस्ते भूल बुझुथे से किभि परवर्त समय एत बड़ गोटे महान चेतनार बाहक हो जाइली चरित्र बारंबार लेखाही लेखा होते केवल पृष्ठभूमि बदल सामयिक समसामयिकता बदल सामाजिक परिस्थिति बदल किंतु सेमती रे कौटी ना कौटी ता भितर गोटे संयोजक सेतु को आम देखिपर से गोटे सूतार गुंथाई थे।